6 in today we start maths lesson first number system. In previous lecture you studied that how we write in proper way the numbers and we see till example second. So I today start example third. पेज 4 देखिए हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल. हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल. तो इसमें कैसे करना होगा 5 डिजिट नंबर. सबसे पहले हमको लेना होगा द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर और उसके बाद द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर और दोनों का डिफरेंस करना होगा. देखिए द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर स्टेट्स आपको पता है कि द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. सबसे पहले देखिए द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर. 1 डिजिट का नंबर क्या है लार्जेस्ट. वन डिजिट लार्जेस्ट क्या लेते हैं 9. ठीक है लार्जेस्ट में 9 डिजिट लेते हैं. नेक्स्ट 2 डिजिट में 1 मोर 9 ऐड. 3 डिजिट 1 मोर 9 ऐड. सो आई थिंक वी टेक द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 9999. ओके नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट नंबर में स्टूडेंट्स देखिए 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट सबसे पहले 1 लेते हैं. ठीक है एंड देन आफ्टर 2 डिजिट स्मॉलेस्ट में 10 ऐड कर देंगे. 3 डिजिट स्मॉलेस्ट में 1 डिजिट कर देंगे. ओके तो बाय दिस द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज सबसे पहले 1000 एंड दिस इज 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5. नंबर आर 5 डिजिट नंबर्स. अब इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है 5 डिजिट का जो नंबर है वो 5 डिजिट के नंबर में टोटल कितने डिजिट आएंगे. टोटल कितने डिजिट आएंगे तो इसीलिए मैं बताया कि दोनों का डिफरेंस करना है. नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर में नंबर्स इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला ये है कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस 1. ठीक है क्या आएगा 8999 प्लस 1 दैट इज 9. ओके ये आ गया 90,000. ठीक है ये आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट आपका एग्जांपल एग्जांपल 4 इसमें सेम क्वेश्चन है हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल. मींस 8 डिजिट का नंबर हाउ मेनी कितने डिजिट उसमें आएंगे. सेम प्रोसेस है ऐसे ही करेंगे. फिफ्थ एग्जांपल राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिजिट डिफरेंट डिजिट गिवन. देखिए एग्जांपल 5 में इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि आपको नंबर गिवन है और स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट. 4 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इसमें लेंगे पहले 4
स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। डियर स्टूडेंट्स, फोर स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। सबसे पहले स्मॉलेस्ट क्या आता है, यू नो, जीरो, उसके बाद वन, उसके बाद टू, थ्री, ये फोर डिजिट होगा सबसे स्मॉलेस्ट। द रिक्वायर्ड नंबर इज द एट डिजिट, रिक्वायर्ड नंबर। अब एट डिजिट का नंबर इससे बनाना है, ये जो फोर डिजिट का नंबर है, ठीक है, इसमें क्या लेंगे, सबसे पहले यू नो दैट कि जीरो अगर राइट लेफ्ट साइड में हम रखते हैं तो क्या होता है, वो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है नंबर की वैल्यू। सबसे पहले हम वन रखेंगे, वन रखा, ओके, देन जीरो 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 एंड देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, देन आप रखेंगे टू एंड थ्री, ये रखना सब, ठीक है। तो एट डिजिट की स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज दिस, काउंट कर लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट डिजिट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल सिक्स, क्वेश्चन देखिए, राइट आल थ्री डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल सिक्स में राइट आर थ्री डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट वन थ्री फाइव, टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, मींस इसमें वन थ्री फाइव तीन डिजिट आपको दिया गया है, जिसमें कि आपको इससे आर थ्री डिजिट बनाने हैं। देखिए कैसे बनेंगे, कीपिंग वन एट वंस प्लेस, ठीक है, वन को अगर वंस प्लेस पे रखते हैं तो क्या नंबर बनता है, थ्री फाइव वन एंड फाइव थ्री वन, ठीक है, थ्री फाइव वन एंड फाइव थ्री वन, इन दोनों नंबर में वन जो है वंस प्लेस पे है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, कीपिंग थ्री एट वंस प्लेस, थ्री को अगर वंस प्लेस पे रखते हैं तो क्या बनेगा, वन फाइव थ्री एंड फाइव वन थ्री, इन दोनों नंबर में थ्री जो है वंस प्लेस पे है। एंड लास्ट कीपिंग फाइव एट वंस प्लेस, इसमें फाइव को वंस प्लेस पे रखना है, क्या होगा, वन थ्री फाइव होगा एंड थ्री वन फाइव, तो ये नंबर्स आपको मिलते हैं बाय दिस थ्री डिजिट नंबर। सो स्टूडेंट्स, इन योर एक्सरसाइज यू कंप्लीट करिए, एंड इन एनी क्वेश्चन क्वेरी यू पुट इन कमेंट बॉक्स, और उसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे आएंगे, ओके, थैंक्स।